Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन का पहला दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाकान अब्बासी से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारिजा ख़ारिजा आसिफ समेत दीगर हुकाम की शिरकत, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर चेयरमैन सेनेट बरहम रज़ा रब्बानी ने कहा, टिलरसन ने ऐसे बयान दिया जैसे वो पाकिस्तान के वॉइस राय है। वज़ीर ख़ारिजा बयान से मुतालिक वज़ाहतें। दहशतगर्द हमें खौफजदा करना चाहते हैं, दहशतगर्दों के बारे में मालूमात बाहर आ गईं तो वो चौकन्ना हो जाए। वफाकी वज़ीर दाखला एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चंद मायूस सियासतदान मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं, इमरान खान मायूसी फैलाने वालों के सरबराह हैं, नून लीग के बजाय कोई और हुकूमत करता तो मुल्क दलदल में फंसा होता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शमूलियत के बगैर मुज़ाकरात बेमाने हैं, भारत ने तस्लीम कर लिया कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर की क़यादत के साथ मुज़ाकरात की दावत पर दफ्तर खारजा का रद्दअमल। अंदरून सिंध खंडर बन चुका, कराची भी कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, सिंध हुकूमत वसाइल का इस्तेमाल करती तो हालत ऐसी ना होती, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तनकीद, कहा आसिफ जरदारी सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है, लोग उनके गुंडों से डरते हैं, जरदारी की शुगर मिल माफिया गरीबों का हक मार रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, अदालत ने फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने आयशा गुलालई की रुकनियत मंसूख करने से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त खारिज कर दी, तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलालई से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं तहफ़ुज़ात बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद को मुतनाज़ा ना बनाए। इतलाफ सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम, शर्जिल बेमन समेत तमाम मुलजिमान को 4 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जब रेफरेंस दायर हो चुका तो गिरफ्तारी का क्या मकसद है, करप्शन केसेस में कब तक दौरा मयार चलेगा, शर्जिल बेमन की जेल जाने से पहले गुफ्तगू में सवाल। नैब ने शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज के पास जमा करा दी, तमाम मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद करने की तफसीलात शामिल। नवाज शरीफ से मुतालिक आखिरी फैसला आवाम ही करेंगे, लाहौर नून लीग का किला था और रहेगा, मरियम नवाज की एन ए 120 में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लाना हमारा मिशन है। पेशावर के हकाइन ने 4 पर ज़िमनी इंतखाब का मारका, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज, गहमा गहमी उरूज पर आज न्यूज के अलका तहलका खुसूसी ट्रांसमिशन, कारकुन अपनी जमातों की कामयाबी के लिए पुरूम। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस कार्रवाई और अंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस में मफरूर मुलजिम अमजद आफरीदी गिरफ्तार। पाक श्रीलंका तीसरे T20 के लिए कजाफी स्टेडियम में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम, स्टेडियम के अतराफ 17 हंगामी प्वाइंट्स और एक आरजी अस्पताल भी बना दिया गया।